कुछ समझ में नहीं आया ना, ऐसे होता है जीन साइलेंसिंग, जहां सेल को ये समझ में नहीं आता है कि उनकी जीन्स उनसे क्या कहना चाहती हैं या क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं। तो जीन साइलेंसिंग मतलब कि हम लोग किसी जीन को उसके प्रोटीन एक्सप्रेशन होने से रोक देते हैं, मतलब जीन से प्रोटीन नहीं बन पाता है। तो इससे को करने के कई सारे तरीके होते हैं, जीन साइलेंसिंग के कई सारे तरीके, उसमें से एक है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़। तो वो आज हम लोग बिने के साथ देखेंगे कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोग कैसे किसी जीन को साइलेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन साइलेंसिंग यूजिंग क्रिस्पर कैस सिस्टम। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि क्रिस्पर कैस 9 की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हमने उसमें बताए थे। उस एप्लीकेशन में एक था जीन साइलेंसिंग करना। क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम की हेल्प से हम जीन साइलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जीन साइलेंसिंग है क्या। जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है किसी भी जीन का नॉक डाउन बनाना। अब नॉक डाउन क्या होता है? नॉक डाउन का मतलब होता है किसी भी जीन के एक्सप्रेशन लेवल को कम कर देना, मतलब कि उसके प्रोटीन लेवल को कम कर देना, इसको बोलते हैं नॉक डाउन। अब हम नॉक डाउन बनाते क्यों हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी जीन का नॉक डाउन क्यों बनाते हैं, उसको साइलेंस क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि किसी भी जीन का फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हम उसका नॉकडाउन या नॉकआउट बनाते हैं। अब फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कोई भी जीन या उसका जो प्रोटीन बनता है वो कौन सा काम करता है, किस काम में इन्वॉल्व है, ये पता करने के लिए हम उस जीन का नॉकआउट या फिर नॉकडाउन बना देते हैं। फिर पता चल जाता है कि वो किस काम में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जीन को कैसे नॉकडाउन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल जीन कैसे प्रोटीन बनाती है। कोई एक जीन है, वो प्रोटीन तक उसका क्या प्रोसेस होता है। सपोज ये एक जीन है, ये पूरी एक जीन है, उसका ये उसका प्रमोटर रीजन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कोडिंग रीजन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है इसका, इस जीन का सबसे पहले इसका क्या होता है, इसका होता है इसका एमआरएनए बनता है, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसका एमआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन से, तो ये उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड को इनिशियल से लेकर एंड तक टेम्पलेट स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब कर देगा, और उस ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं एमआरएनए। आपने देखा कि यहाँ पर बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये यहाँ आ गया एंड तक, इसने इस पूरे जीन सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब कर दिया, ये बन गया एमआरएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि डीएनए से आरएनए का बनना जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये बन गया एमआरएनए। अब इस एमआरएनए का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो आफ्टर ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। अब ये प्रोटीन सेल में जहाँ भी है वो अपना काम करेगा। अब सपोज करो कि इसी जीन का हमको नॉकडाउन बनाना है। अब हमको ये पता करना है कि ये किस काम में इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इसका नॉकडाउन बनाएंगे। तो इसका नॉकडाउन कैसे बनाएंगे, उसका सब क्रिस्पर कैस की हेल्प से हम इसका कैसे नॉकडाउन बनाएंगे, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड बनाएंगे, उस प्लाज्मिड में ये अपना प्लाज्मिड हो गया, उस प्लाज्मिड में क्या होगा, हम डी कैस नाइन की जीन रखेंगे और गाइड आरएनए रखेंगे। दो डिफरेंट प्रमोटर के अंडर, एक है डी कैस नाइन और दूसरा है अपना गाइड आरएनए। फ्रेंड्स, ये जो गाइड आरएनए है, ये इसी जीन के कुछ पार्ट को हमने लेकर के डिजाइन किया है। इस जीन के कुछ पार्ट को लेकर हमने गाइड आरएनए डिजाइन किया। अब क्या करना है, इस पूरे प्लाज्मिड को उस बैक्टीरिया में डाल देना है जिसके अंदर ये जीन है। जब ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में जाएगा तो उसके इनसाइड उसका इस प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा और उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, डी कैस नाइन प्रोटीन बन जाएगा, ये प्रोटीन आपको जो दिख रहा है, और गाइड आरएनए अपना बन जाएगा, ये पूरा गाइड आरएनए है। गाइड आरएनए आप लोग पहले से ही जानते हैं कि दो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है,
ये है ट्रेसर आरएनए और ये गाइड आरएनए है, ठीक है। ये मतलब क्रिस्पर आरएनए है जो कि इसी जीन का पार्ट होता है कुछ, तो ये पूरा हो गया गाइड आरएनए। अब क्योंकि जो ट्रेसर आरएनए होता है उसमें कैस नाइन बाइंडिंग एलिमेंट होता है, तो वो कैस नाइन से बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे डी कैस नाइन गाइड आरएनए। ये सब प्रोसेस हो रही है बैक्टीरिया के अंदर जिसकी जीन को हमें साइलेंस करना है, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, क्योंकि इसका जो क्रिस्पर आरएनए है गाइड आरएनए का पार्ट वो इसी जीन का कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है, तो ये उस रीजन से जाके बाइंड करेगा, समझ, यहाँ के रीजन से बाइंड करे, इस तरह से बाइंड कर गया। अब जब ये बाइंड कर गया तो फ्रेंड देखो कि जब ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली हो रहा था तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करके एंड तक जा रहा था, फिर ये आरएनए बन रहा था। लेकिन फ्रेंड्स जब बीच में ही आके गाइड आरएनए बाइंड कर गया, और जो कि एक बल्की प्रोटीन कैस नाइन के साथ लगा हुआ है, जब यहाँ पर बाइंड कर गया कैस नाइन गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स, तो जो आरएनए पॉलीमरेज था वो प्रमोटर रीजन से स्टार्ट तो करेगा लेकिन एंड तक नहीं जा पाएगा, यही बीच में रुक जाएगा। तो जब बीच में ही रुक गया फ्रेंड्स तो एमआरएनए बनेगा ही नहीं, जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, नो एमआरएनए एंड नो प्रोटीन। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो उस प्रोटीन का लेवल बैक्टीरिया में कम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं जीन साइलेंसिंग करना। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कैस नाइन नहीं डी कैस नाइन लिया है, डी कैस नाइन का मतलब है, डी का मतलब है डेड फॉर्म ऑफ कैस नाइन। कैस नाइन जो होता है वो डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट कर देता है, बट डी कैस नाइन क्या है, डी कैस नाइन बनाने के लिए हमने क्या किया है कि जो एक्टिव साइट होता है कैस नाइन का, जो साइट कट करती है उसको हमने म्यूटेट कर दिया है। जब म्यूटेट कर दिया है तो अब ये कैस नाइन कट नहीं करेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमको उसको अफिनिटी वेस उसको बाइंड रखने की ज़रूरत है, इसलिए हमने डी कैस नाइन यूज़ किया है, कैस नाइन की एक्टिव साइट को म्यूटेट कर दिया है, सो अब वहाँ पर बाइंड रहेगा, कट नहीं करेगा। फ्रेंड्स इसमें चार मेन स्टेप होते हैं किसी भी जीन का नॉकडाउन बनाने के लिए। सबसे पहला होता है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हम क्रिएट करेंगे, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें डी कैस नाइन एक्सप्रेस कराएंगे हम और गाइड आरएनए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव क्लोन स्क्रीनिंग, फिर क्या काम करेंगे हम उस प्लाज्मिड को उस बैक्टीरिया में डालेंगे जिसकी हमको जीन नॉकआउट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर हमको पॉजिटिव क्लोन को सेलेक्ट करना है, स्क्रीन करना है, मतलब हमको वो कॉलोनी पता करनी है जिसमें हमारा ये प्लाज्मिड सक्सेसफुली चला गया है। फिर जब हमको पता चल जाएगा कि हाँ इस क्लोन में इस कॉलोनी में हमारा प्लाज्मिड सक्सेसफुली चला गया है, तो हम उसका फिर कल्चर लगा के फिर आरएनए आइसोलेट करेंगे और फिर QRT-PCR करेंगे। फिर QRT-PCR से हमको पता चल जाता है कि हमारी जीन कितने परसेंट सप्रेस हुई है, कितने परसेंट उसका एक्सप्रेशन कम हुआ है। हम उसमें जो अपना वाइल्ड टाइप स्ट्रेन होता है जिसमें हम प्लाज्मिड नहीं डाले होते हैं उसको एज अ कंट्रोल यूज़ करते हैं, और ये हमारा म्यूटेंट हो जाता है जिसमें हम प्लाज्मिड डालते हैं, तो कंट्रोल वर्सेस म्यूटेंट कितने परसेंट हमारी जीन सप्रेस हुई है ये हम QRT-PCR से पता कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद। मुझे पता है आप लोगों को हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही और बायोटेक से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी और नॉलेज मिलती रहे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और साथ ही किसी और को इस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वीडियो प्लीज़ शेयर करें, और साथ ही कमेंट और लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशनल बूस्ट होता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।